नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 अप्रैल दिन सोमवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बक्सर को इस मामले में मिला पहला स्थान। 29 अप्रैल से बिहार बोर्ड कंपार्टमेंटल परीक्षा, इस दिन तक रिजल्ट जारी करने का है लक्ष्य। सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए नियोजित शिक्षकों की जल्द होगी काउंसलिंग। टिकट बुकिंग के समय उम्र या जेंडर में हुए गलती में सुधार के लिए कर सकते हैं ये काम। जानिए चल और अचल संपत्ति के बीच क्या है अंतर। आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगी भिड़ंत। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती। उत्तर प्रदेश में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है। ये भर्ती लखनऊ स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर की जा रही है। इस भर्ती के तहत 665 पद भरे जाएंगे। इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार drrmlims.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए अनारक्षित उम्मीदवारों को 1180 रुपए तो वहीं आरक्षित उम्मीदवारों को 780 रुपए देने होंगे। दिव्यांग जनों के लिए ये आवेदन निःशुल्क है। भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए नियोजित शिक्षकों की जल्द होगी काउंसलिंग। बिहार में जो भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं उनकी पदस्थापना की तैयारी की जा रही है। चयनित जिले में विद्यालय आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षकों के पद स्थापना के लिए होगा। विद्यालय आवंटन की ये प्रक्रिया रैंडम तरीके से होगी। राज्य मुख्यालय में विद्यालय आवंटन के पहले सभी शिक्षकों की काउंसलिंग की जाएगी। शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी द्वारा बताया गया है कि काउंसलिंग में शिक्षकों के उन सभी प्रमाण पत्र व कागजातों का सत्यापन होगा जो सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरते समय दिए गए थे। उन्होंने बताया कि काउंसलिंग शेड्यूल तैयार हो चुका है, इसे जल्द जारी किया जाएगा। मालूम हो कि इस परीक्षा में करीब 1,87,615 नियोजित शिक्षक सफल हुए हैं। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे जल मंदिर पावापुरी के बारे में। ये मंदिर नालंदा के पावापुरी में स्थित है। इसी स्थान पर भगवान महावीर ने निर्वाण की प्राप्ति की थी, इसलिए इस मंदिर को जैन धर्म के अनुयायियों के लिए काफी पवित्र माना जाता है। यही वो स्थान रहा जहां भगवान महावीर का अंतिम संस्कार किया गया था। इस मंदिर में भगवान महावीर की चरण पादुका भी रखी गई है। जैसा नाम से ही प्रतीत होता है, ये मंदिर जल के बीचों बीच स्थित है। मंदिर के चारों तरफ कई कमल के फूल खिले हैं जो देखने में बेहद ही शोभनीय लगते हैं। यहां से नजारे देखते बनते हैं। यदि आपको धार्मिक स्थानों पर घूमने का शौक है तो आप यहां आ सकते हैं। बक्सर को इस मामले में मिला पहला स्थान। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान चलाए जा रहे हैं। यह अभियान राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक था। इसमें बक्सर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य स्तर पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक जल जीवन हरियाली अभियान के विभिन्न अवयवों में बक्सर ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए इस बार फाइनल में 76.6 के अंक प्राप्त किए हैं। इसमें सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त करना, नए जल संरचना के निर्माण में 10 में से 9.99 अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं इस मामले में दूसरे नंबर पर रोहतास, तीसरे नंबर पर जहानाबाद और चौथे नंबर पर नालंदा व पांचवें नंबर पर पूर्णिया जिला आया है। 29 अप्रैल से बिहार बोर्ड कंपार्टमेंटल परीक्षा, इस दिन तक रिजल्ट जारी करने का है लक्ष्य। 29 अप्रैल से इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट की परीक्षा शुरू होने वाली है। 29 अप्रैल से शुरू होने वाली परीक्षा 11 मई तक दो पालियों में चलेगी, तो वहीं 10वीं कंपार्टमेंटल की परीक्षा 4 मई से शुरू होगी। मिली जानकारी के मुताबिक प्रथम पाली की परीक्षा 9:30 बजे से 12:45 बजे तक रहेगी, तो वहीं दूसरी पाली की यह परीक्षा दोपहर के 2 बजे से शुरू होकर 5:15 बजे तक रहेगी। 15 मई और 16 मई को इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा खत्म होने के बाद बिहार बोर्ड द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा और इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा का रिजल्ट 31 मई तक जारी कर दिया जाए ताकि बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए नए सत्र में एडमिशन ले सके। डेबिट कार्ड यूज करने वाले SBI ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। डेबिट कार्ड से संबंधित वार्षिक रखरखाव शुल्क को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संशोधित किया गया है। संशोधित हुए शुल्क को SBI की वेबसाइट के मुताबिक लागू किया जा चुका है। SBI की वेबसाइट के मुताबिक क्लासिक, सिल्वर, ग्लोबल और कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड के लिए मौजूदा वार्षिक रखरखाव शुल्क 1 अप्रैल से संशोधित किया गया है। इसके साथ ही युवा, गोल्ड और कॉम्बो डेबिट कार्ड के लिए शुल्क बढ़ाया गया है। वहीं प्लेटिनम डेबिट कार्ड का वार्षिक रखरखाव शुल्क भी बढ़ा दिया गया है।
साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध से बचाव की जानकारी देगी आर्थिक अपराध इकाई। बिहार पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आधिकारिक अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट के जरिए बताया गया है कि आर्थिक अपराध इकाई बिहार के साइबर क्राइम सेल द्वारा 8 अप्रैल 2024 को दोपहर के 12 बजे से ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आयोजित होने वाले लाइव सेशन में ईओयू के पुलिस अधीक्षक श्री वैभव शर्मा साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध से बचाव से जुड़ी विभिन्न जानकारियां को प्रदान करेंगे। यदि आप भी इस लाइव सेशन में भाग लेना चाहते हैं तो आप साइबर क्राइम सेल ईओयू बिहार के फेसबुक पेज पर बताए गए समय में शामिल हो सकते हैं। सोनाक्षी सिन्हा का ये लुक सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। अब तक दबंग और कलंक जैसी कई सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्मों से नाम कमा चुकी बिहार की सोनाक्षी सिन्हा एक बार फिर से चर्चा में हैं। दरअसल इन दिनों वे अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट हीरा मंडी के प्रमोशनल इवेंट्स में नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर सोनाक्षी ने अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें साझा की हैं, जिसकी फैंस खूब तारीफ भी कर रहे हैं। दरअसल इस तस्वीर में सोनाक्षी बेहद ही खूबसूरत और स्टाइलिश बोहो आउटफिट्स के साथ नजर आ रही हैं। इस खूबसूरत तस्वीर में उन्होंने ब्राइट पर्पल बांधनी प्रिंट बोहो आउटफिट पहने हैं। इस आउटफिट के साथ उन्होंने सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी और कर्ली हेयर स्टाइल कैरी किया है। सोनाक्षी के फैंस उनके इस तस्वीर की जमकर तारीफें कर रहे हैं। गए आते ही गौतम बुद्ध की शरण में पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। बीते ही दिन कड़ी सुरक्षा के बीच भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बोधगया आए थे। इस दौरान दोनों ही गणमान्य का गया के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM और वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने स्वागत किया। गौतम बुद्ध की शरण में आए उपराष्ट्रपति ने महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध के प्रतिमा की पूजा अर्चना की। यहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद दोनों ही बौद्ध वृक्ष के पास पहुंचे और यहाँ उन्होंने साधना किया। फिर वे IIM में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए गए। दीक्षांत समारोह की समाप्ति के बाद जगदीप धनखड़ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे भागवत झा आजाद के बारे में। भागवत झा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। इनका जन्म 28 नवंबर वर्ष 1922 में बिहार में हुआ था। इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 14 फरवरी वर्ष 1988 से लेकर वर्ष 1989 तक भी काम किया है। साथ ही ये कई बार संसद सदस्य और बिहार राज्य विधानमंडल के सदस्य रहे हैं। इन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। इस दौरान इनके पैर में भी गोली लगी और इस समय से ये लोगों के बीच और भी प्रसिद्ध हो गए। प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार भी किया था। 4 अक्टूबर वर्ष 2011 में ये हमें अलविदा कह गए। शिक्षा विभाग का प्लस टू के बच्चों को लेकर आया नया फरमान। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इन दिनों लगातार शिक्षा विभाग एक से एक नए फरमान जारी कर रहा है। इसी कड़ी में एक और फरमान शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुए हैं, जिसके मुताबिक अब पंचायत के बच्चे अपने ही पंचायत स्थित स्कूलों से प्लस टू की पढ़ाई करेंगे। बच्चे अपने ही पंचायत स्थित प्लस टू स्कूलों में पढ़ाई कर सके, इसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर कई फर्नीचर और अन्य जरूरी चीजों को भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। टिकट बुकिंग के समय उम्र या जेंडर में हुए गलती में सुधार के लिए कर सकते हैं ये काम। पहले ट्रेन से सफर करने के लिए हमें टिकट काउंटर पर लंबी लाइन में खड़े होने पड़ते थे, लेकिन अब हमें बड़ी ही आसानी से ऑनलाइन माध्यम से ट्रेन टिकट को बुक कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन टिकट बुक करते वक्त कुछ गलत जानकारी भी हम दे देते हैं। इसमें से कई गलतियां ऐसी हैं जिसे हम सुधार नहीं कर सकते। गलत जानकारी देने के बाद आप नाम, उम्र या जेंडर जैसी चीज़ों में बदलाव नहीं कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप अपने इस गलती में सुधार करना चाहते हैं तो आपको नज़दीकी स्टेशन पर जाकर रिजर्वेशन सुपरवाइजर यानी CRS से मिलना होगा और उन्हें अपनी भूल के बारे में बताना होगा। इस दौरान CRS आपके टिकट पर अपना स्टाम्प लगा देंगे और उसके बाद आपके टिकट मान्य हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि CRS आपकी गलती में सुधार कर दे। हालांकि आप एक कोशिश कर सकते हैं, साथ ही ट्रेन में TT को अपनी ID दिखाकर इस मामले में सुधार के प्रयास कर सकते हैं। TT आपके टिकट में हुए गलती को मानवीय भूल समझकर उसे मान्य कर देंगे। आपकी यात्रा का पसंदीदा माध्यम क्या है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। प्रदेश के जिलों में बारिश के आसार। लगातार प्रदेश में चिलचिलाती धूप और चल रही उष्ण हवा के कारण लोग परेशान थे, लेकिन अब पटना सहित प्रदेश में और कई जगह पर बादल छाए रहने के कारण बारिश की संभावना जताई जा रही है। बारिश होने से तापमान में गिरावट होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में आज बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में एक या दो स्थानों पर बारिश की संभावना है। आज प्रदेश में दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति
घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और 36 से 38 डिग्री, वहीं न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। जानिए चल और अचल संपत्ति के बीच क्या है अंतर। कई बार हमें संपत्ति से जुड़ी शब्दावलियां को समझने में कठिनाई होती है। संपत्ति से जुड़ी कई बातों को समझने के लिए हमें कानून की समझ रखने वालों की मदद लेनी पड़ती है। आज इसी कड़ी में हम आपको चल और अचल संपत्ति के बीच अंतर बताएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि संपत्ति दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक चल और दूसरी अचल संपत्ति होती है। अचल संपत्ति में वैसी चीजें आती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाई जा सकती हैं। इसमें आपका घर, जमीन, कारखाना आदि हो सकता है। वहीं चल संपत्ति में वो चीजें होती हैं जिसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं, जैसे आपके गहने, वाहन आदि। चल संपत्ति के लिए उसके पंजीकरण की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अचल संपत्ति के लिए पंजीकरण जरूरी है। हालांकि 100 रुपए से नीचे की अचल संपत्ति में पंजीकरण की जरूरत नहीं पड़ती। शराब तस्करी को रोकने के लिए शुरू हुई है कवायद। प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी शराब तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। शराब के स्रोत से आते हैं इसकी पहचान करने के लिए प्रदेश में कार्रवाई की जा रही है। जिस भी स्रोत से शराब की तस्करी होती है उन स्थानों को चिन्हित करके अधिकारी शराब निर्माता को सूचित कर रहे हैं, ताकि बिना लाइसेंस नंबर के गलत तरीके से अधिक मात्रा में शराब बनाने वाली कंपनियों पर भी कार्रवाई हो सके। शराब के सप्लाई को रोकने के लिए प्रदेश में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा कवायद शुरू की गई है। पटना के कलाकार ने किया कमाल, 1 किलोमीटर लंबे धागे से बनाई श्री राम की तस्वीर। 17 अप्रैल को रामनवमी का त्यौहार मनाया जाने वाला है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद इस बार की रामनवमी खास होने वाली है। अब रामनवमी से पहले पटना के कलाकार रमन चंद्रवंशी ने अपनी कलाकारी से एक अनोखा कारनामा कर दिखाया। दरअसल इन्होंने अयोध्या के भगवान राम की प्रतिमा की धागे से तस्वीर बना दी है। देखने वाले लोग रमन चंद्रवंशी के इस कलाकारी की खूब तारीफ भी कर रहे हैं। ये तस्वीर 4x4 फीट में है। इस तस्वीर को रमन ने 5 दिनों में तैयार किया है। तस्वीर में इस्तेमाल हुए धागे करीब 1 किलोमीटर जितने लंबाई के हैं। पटना के महावीर मंदिर में इस तस्वीर को रामनवमी के अवसर पर भेंट के रूप में चढ़ाया गया है। रमन ने इस तस्वीर को लेकर बताया है कि उन्होंने ये चित्रकारी यूट्यूब से सीखी है। इसे बनाने में उन्हें करीब 4000 तक का खर्चा आया है। सुशील मोदी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने पहुंचे सीएम नीतीश। अभी हाल में ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी को कैंसर होने की बात सामने आई थी। सुशील मोदी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने सीएम नीतीश कुमार भी उनके राजेंद्र नगर स्थित आवास पर पहुंचे। सीएम नीतीश ने सुशील कुमार मोदी के शीघ्र ठीक होने की कामना की और उन्होंने कहा कि वो जल्द स्वस्थ होकर लोगों के बीच फिर से उपस्थित होकर उनकी सेवा करेंगे। तेजस्वी ने पीएम मोदी को बताया झूठ बोलने का होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये लोग भगवान से भी अपने आप को ऊपर मान रहे हैं। भगवान सब देख रहे हैं, जब भगवान फैसला करेगा तो इन लोगों को समझ में आ जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कैसे कह दिया कि हम लोग सनातन विरोधी हैं, क्या हम लोग पूजा नहीं करते हैं, क्या हमारे घर में मंदिर नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और होलसेलर भी हैं। वहीं नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। जब हमारे साथ थे तो बीजेपी को क्या क्या बोलते थे और अब उधर चले गए हैं तो क्या क्या बोलते हैं। सीएम नीतीश ने 10 लाख नौकरी का वादा पूरा करने का किया दावा। बीते ही दिन नवादा में चुनाव प्रचार के लिए एनडीए की चुनावी सभा आयोजित हुई थी। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने बिहार की जनता से एक बड़ा वादा किया है। सीएम नीतीश ने कहा है कि 2005 से 2020 तक उनकी सरकार में 8 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दी गई। अब विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में वो 10 लाख तक नौकरी का वादा पूरा करेंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने विपक्ष पर भी सवाल खड़े किए हैं। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में 2005 से पहले क्या हाल था, बिहार में पति पत्नी की सरकार ने क्या किया। नई पीढ़ी के लोग बिहार में घूम सकते हैं, लेकिन उनके अभिभावकों को, बच्चों को बताना चाहिए कि 2005 के पहले बिहार की क्या दशा थी। लोग डर के मारे शाम के बाद घर से बाहर तक नहीं निकलते थे। वाल्मीकि नगर सीट से राजद ने महागठबंधन प्रत्याशी के नाम का किया ऐलान। अभी हाल में ही बगहा से बीजेपी के बागी नेता दीपक यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद ही दीपक यादव ने राजद पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। आपको बता दें कि दीपक लंबे समय से बीजेपी से नाराज चल रहे थे, जिस वजह से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। अब राजद ज्वाइन करते ही पार्टी ने वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से दीपक यादव को महागठबंधन का प्रत्याशी बनाया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से दीपक के नाम का ऐलान किया है, साथ ही दीपक को अपना समर्थन देने की बात कही है।
आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगी भिड़ंत। आज चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में आईपीएल 2024 का 22वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। मालूम हो कि अब तक केकेआर आईपीएल 2024 के एक मैच भी नहीं हारी है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स दो मैच में जीती है, तो वहीं दो मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है। आइए अब जानते हैं एमए चिदंबरम स्टेडियम का पिच कैसा है और इस पिच पर बल्लेबाज या बॉलर किसे फायदा मिलने वाला है। तो आपको बता दें कि इस स्टेडियम की पिच स्पिनर्स के लिए अनुकूल मानी जाती है। वहीं बल्लेबाजों को थोड़ा सब्र के साथ बल्लेबाजी करने की जरूरत पड़ती है। आपके मुताबिक आज के इस मुकाबले में किस टीम का पलड़ा भारी हो सकता है? कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों पर पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। आज के दिन वर्ष 1929 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार किया गया था। आज के दिन वर्ष 1950 में भारत और पाकिस्तान के लियाकत नेहरू समझौता हुआ था। ये समझौता दोनों देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने और भविष्य में दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावनाओं को खत्म करने के मकसद से किया गया था। आज के दिन वर्ष 2001 में भारत इंग्लैंड राउंड टेबल बैठक सरिस्का में संपन्न हुआ था। बांग्लादेश में हिंदुओं की संपत्ति लौटाने के लिए विधेयक पारित हुआ था। आज के दिन वर्ष 2008 में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अपने यहां सिखों की अल्पसंख्यक घोषित किया था। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे 15 लाख ईवीएम मशीन के गायब होने की खबर के बारे में। इन दिनों व्हाट्सएप पर एक खबर वायरल हो रही है। इस खबर के तहत दावा किया जा रहा है कि करीब 15 लाख ईवीएम मशीन गायब हैं। लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच वायरल हो रही ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। इस खबर को इलेक्शन कमीशन ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, जहाँ से फर्जी और भ्रामक बताया गया है। वहीं पीआईबी फैक्ट चेक द्वारा भी इस खबर को रिपोस्ट किया गया है, जहाँ इसे पूरी तरह से फर्जी करार दिया गया है। इसलिए इस तरह की खबर पर यकीन करने से बचें। अब आसानी से खोए हुए फोन मिलेंगे वापस। गूगल लॉन्च कर रहा है ये ऐप। आज के समय में हमारे फोन में कई जरूरी चीजें सेव होती हैं। हमारे कई डॉक्यूमेंट्स, फाइल या कोई भी जरूरी मेल। आज के समय में फोन का खोना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस फाइंड माई डिवाइस की खासियत यह है कि ऑफलाइन होने पर भी आप अपने डिवाइस का आसानी से पता लगा सकेंगे। यूजर्स प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत सीबीएसई ने सभी स्कूलों को दिए ये निर्देश। नई शिक्षा नीति के तहत नेशनल फ्रेमवर्क को लेकर सीबीएसई ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि 9वीं और 10वीं बोर्ड में 3 और 11वीं व 12वीं में 2 भाषा पढ़ना अनिवार्य होगा। 2 भारतीय भाषाओं के साथ साथ एक विदेशी भाषा भी नवीन और 10वीं बच्चों को पढ़ने होंगे। आपको बता दें कि इन बच्चों को अभी तक 5 मुख्य विषय और 1 वोकेशनल विषय पढ़ने होते थे। इसके साथ ही अब हर विषय की पढ़ाई का घंटा भी तय किया गया है। 120 घंटे भाषा एनवायरनमेंट एजुकेशन पर पढ़ाई तो होगी, वहीं 150 घंटे की पढ़ाई साइंस और सोशल साइंस जैसे विषयों के लिए होगी। साथ ही कम से कम 50 घंटे का प्रोजेक्ट वर्क हर विषय में अनिवार्य किया गया है। इन सब के अलावा अब आर्ट और फिजिकल एजुकेशन को भी अनिवार्य किया गया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य पदों की परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हर साल बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 20 मार्च को, ऑप्शन बी है 21 मार्च को, ऑप्शन सी है 22 मार्च को, ऑप्शन डी है 24 मार्च को। इसका सही उत्तर है 22 मार्च को। किस आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता बिहार में सक्रिय हुआ था? ऑप्शन ए है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है सहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। भाखड़ा नांगर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है सतलुज, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है नर्मदा। इसका सही उत्तर है सतलुज। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी रक्षा मंत्री, ऑप्शन डी है गृह मंत्री। इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1990 को, ऑप्शन बी 1991 को, ऑप्शन सी 1992 को, ऑप्शन डी है 1993 को। इसका सही उत्तर है 1990 को। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मुकेश कुमार, राजीव कुमार, मनोज राम, आर्यन सिंह, जितेंद्र ठाकुर, कृष्णा प्रसाद, जितेंद्र सिंह, राजेश मांझी, आनंद मंडल, पशुपति पारस, अमरेंद्र कुमार, उपेंद्र कुमार यादव,
श्याम नारायण झा, शिव नंदन कुमार, सुमन कुमार मिश्रा, राजेश कुमार, कुमारी किरण। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा, सीएम नीतीश के इस बयान पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।